सोलन के कंडाघाट में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। ये माह एरिफ कंपनी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत क्षेत्रवासियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वे नियमों के प्रति जागरूक होकर अपनी और अन्य नागरिकों की जान बचा सकते हैं। इस मौके पर एरिफ कंपनी के सुरक्षा मैनेजर अविनाश दुबे ने बताया कि सामाजिक दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से वे प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा माह मनाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष लाखों लोग भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं क्योंकि वे नियमों की पालना नहीं करते। इसलिए देश के नागरिकों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि अनमोल जीवन को बचाया जा सके। अधिक जानकारी देते हुए एरिफ कंपनी के सुरक्षा मैनेजर अविनाश दुबे ने बताया कि उनकी कंपनी द्वारा 32वां सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत जहां एक और चालकों परिचालकों के लिए नेत्र जांच शिविर लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में अवगत भी करवाया जा रहा है ताकि वे किसी दुर्घटना का शिकार ना हो। उन्होंने कहा कि कंपनी का उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और सभी लोग सुरक्षित रहें। 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह एरिफ इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से मनाया जा रहा है, जिसके तहत कि 3 और 4 फरवरी को कंडाघाट में हमारा रखा गया है ये आई चेकअप कैंप, सलोगड़ा में है 5 और 6 को, ऐसे करके जो है 6, 8, 8 जो है आई चेकअप कैंप रखा गया है। बाकी और भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है रोड सेफ्टी के माध्यम से। एक हमारी प्रॉपर जो है अनाउंसमेंट गाड़ी चल रही है कि जैसे कि सड़क से सुरक्षा से संबंधित चीज़ें लोगों को बताई जा रही हैं कि भाई आप सीट बेल्ट का उपयोग करें, शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं, या जो भी सड़क पे सेफ्टी का प्रिकॉशंस लेना है वो सारा लें, जो साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हैं उनको रीड करें और प्रॉपर तरीके से अपनी स्पीड लिमिट में चलें जो है। तो इस तरीके से लोगों को अवेयर किया जा रहा है और इसमें कंडाघाट ट्रैफिक पुलिस और अपनी सोलन ट्रैफिक पुलिस, ये सारे हम लोग इन्वॉल्व हैं रैली के माध्यम से और इन सब चीज़ों के माध्यम से लोगों को अवेयर करेंगे। ये हमारा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा, जिसमें फ्री आई चेकअप कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप, इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटी की जा रही है।